सरप्राइज मुबारक हो, बहुत बड़े ऑफिसर बन गए। सॉरी, बगैर अपॉइंटमेंट के आ गई ना। तुम जानते हो तुम मुझे कितने अजीज हो और मैं तुम्हें अपने खानदान का फर्ज समझता हूँ, और तुम जानते हो इसकी वजह। देखो, तुम अपने कमरे में जाके बैठो, देखो ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरा सहारा बनो। विल टॉक अबाउट इट। मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, एक दफा तो कोशिश की थी ना मैंने। तुम तो जानते हो कि मोहब्बत करने वाले अक्सर अपने हालात से हार जाते हैं। तितलियां उड़ती हैं और इनको पकड़ने वाले सही है नाकाम में अपनों से बिछड़ जाएं। सही है नाकाम। क्या मतलब? सही का मतलब कोशिश। पता नहीं ये कहां से आया है, क्यों आया है और क्या मतलब है इसका। यानी कि तुम्हें भी मेरी तरह शेर का मतलब समझ नहीं आ रहा? तुम तो प्रोफेसर रहे हो। मैं शेर की बात नहीं कर रहा, बस ये जानना चाह रहा हूं कि ये आया कहां से। मैं तो किसी और ही बात का पता करना चाहती थी। ये राज तो कभी ना कभी खुल ही जाएगा कि कौन भेजता है। वैसे एक बात बताओ, तुम अचानक इस जॉब से भागना क्यों चाहते हो? इसलिए कि ये भी एक सही है नाकाम है। मैं तितलियों के पीछे नहीं भागना चाहता, अपने से भी दूर भागता जा रहा हूं। प्लीज अली, मेरी समझ में ये शेरो शायरी बिल्कुल नहीं आती। आप शायद अब तक सारी बातें समझ चुकी हैं। मैं किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हरगिज नहीं। कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा। कमाल, मेरा शाहिद की बहन से एक ही रिश्ता रहा है। यूसुफ साहब शाहिद को नीचा दिखाना चाहते, इसलिए तो उन्होंने मुझे खरीदा है। खरीदा है? या तुम्हें अहमियत दी है? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक सुनहरी मौका दिया है। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम शायद के सामने सर उठा के खड़ा नहीं होना चाहते? और वो लड़की, उसकी इज्जत? यही बात तो मुझे तुम्हें बतानी कि यूसुफ साहब कैसे भी हों, लेकिन वो ख्वातीन की इज्जत करना जानते हैं। और वैसे अगर तुम्हारे अफेयर के बारे में यहाँ किसी ने कोई एक लफ्ज भी बोला ना, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ इस कंपनी से अलग हो जाऊंगा। फिर भी मुझे लगता है ये सब मेरे लिए ट्रैप है। अली, इतने जहीन हो लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हो। और मैं तो ये बताने आई थी कि तुम्हारा दोस्त मजर भी इसी कंपनी को ज्वाइन कर। देखो अली, ये बात तो तय है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक? और मेरी अभी यूसुफ सेठ से भी बात हुई है। यार अली, ये नौकरी छोड़ना ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक मिनट में भी छोड़ सकते हो। मगर मैं नहीं समझता कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी और ये मौका ज़ाया करना चाहिए। और फिर मैं तेरे साथ हूँ यार,
That's some fun, यार. Trust me, बहुत मजा आएगा. खाक मजा आएगा. पता नहीं बतूल मेरे बारे में क्या सोच रही होगी. इस वक्त कोई कुछ भी नहीं सोच रहा. ना ये बात अभी तुम्हारी समझ में आ रही है और ना ही ये बात अभी बतूल की समझ में आ रही है. और तुम कोई बतूल से बेवफाई नहीं कर रहे हो यार. और ना मैं तुम्हें करने दूंगा. ट्रस्ट मी. मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे और उसके ताल्लुकात की क्या नौयत है. बहुत नाराज है वो मुझसे. एक साल के लिए अमेरिका जा रही है. कोई कहीं नहीं जा रहा. तुम देखते जाओ. तुम एक काम करो, तुम जाके लाहौर अपनी अम्मी से मिल के आओ, फिर इस स्कीम पे काम करते हैं. ये करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है. इट्स नॉट फेयर माई. भाई ने अली की बहुत इंसल्ट की है और वो शायद उनसे इंतकाम लेना चाहता है. मुझसे भी तो बात नहीं कर रहा. भाईजान क्या चाहते हैं ये साफ जाहिर. वो चाहते हैं कि तुम अपना ताल्लुक अली से खत्म कर दो. I'm sorry, अब वो ऑफिस से निकलते निकलते भी कुछ अर्जेंट कॉल आ गए. लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि आपको मुझे घर बुलाया. तुम्हारे ऑफिस के अर्जेंट कॉल से भी ज्यादा अर्जेंट कुछ काम है जो इस घर से तब. क्या हुआ. बैठ. और मेरी बात गौर से सुन. तुम बतूल के मामले में क्यों दखल देते. उसे उसके फैसले खुद क्यों नहीं कर देते. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर हर. यू वॉन्ट बेस्ट फॉर हर. ये फैसला करने वाले तुम कौन होते हो कि उसके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है. आप मुझसे इतने नाराज क्यों हो रहे हैं. क्या कोई ऐसी बात है जो मेरे इल्म में नहीं. तुमने बतूल को अमेरिका जाने के लिए इसलिए राजी किया कि वाली से दोस्ती खत्म कर ले. आप जानते हैं कि वो एक घटिया आदमी है और अब जाके हमारे दुश्मनों से मिल गया है. यूसुफ उसे मेरे और बतूल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है. अली ने ये नौकरी तुमसे मुलाकात के बाद की है. तुमने उसे जलील किया. मगर सवाल ये उठता है कि तुम क्या चाहते हो. Of course I love him. तो फिर ये ड्रामा किस लिए. बता दो अपने भाईजान को और बता दो अली को. और अब तो तुम्हारे अब्बू तुम्हारी धूमधाम से शादी भी करेंगे और अब तो अली तुम्हें पाल भी सकते. अब ये मुश्किल है क्योंकि भाईजान ने अली की इंसल्ट की है और वो भी अब इंतकाम लेना चाहता है. मुझसे भी तो बात नहीं कर रहा. नाराज है मुझसे. यही नहीं, बतूल को शक में मुब्तला करने के लिए तुमने अली की किसी लड़की के साथ तस्वीर बतूल को भिजवाई. ये सब आपसे बतूल ने कहा है. मुझे नहीं, खुर्शीद ने उससे बात की है. अबू, मेरे काम में मेरे ऑफिस में वैसे भी मसाइल है. मैंने आपकी इतनी सी कंपनी को आज मुल्क का इतना बड़ा इदारा बना दिया है. मुझे फैसला करना होता है. और हाँ, मेरा ये भी फैसला है कि बतूल उस लड़के से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज है और मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ. तुमने कहा था कि तुम अली से प्यार करते हो. क्या अली भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है अपनी इस एहसास से कम तरी के साथ. ऐसा तो मत कहो माइन. अली खुददार और खुद पे एतमाद रखने वाला शख्स है. देखो मैं अभी भी यही कहूँ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं. मैं अली से फ्लर्ट करके देखती हूँ, पता चल जाएगा कि वो अभी भी तुम्हारा है या नहीं. नंबर टू, तुम्हारा किसी से झूठ मूठ का अफेयर चलवा देते हैं जिसकी खबर अली को भी होगी. फिर देखते हैं कि वो मिस्टर क्या करता है. देखो मैं अपनी सर्विसेज तुम्हें फ्री में ऑफर कर दूँ. एंड डोंट वरी,
तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले सारे फैसले हो जाएंगे। मुझसे इस तरह बात करोगे? बतूल किसी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी नहीं और तुम्हारी तो किसी सूरत नहीं है। वो एक बालिग और समझदार लड़की है और वो लड़का उससे कमतर है और मुझे लगता है वो लालची और एम्बिशियस भी है। मसला ये है कि अब मेरा दिल अमेरिका जाने को नहीं करता। तो मत जाओ। देखो मेरी बात गौर से सुनो। सिंपल, जो दिल चाहता है वो करो, किसी से मत डरो, बदनामी से भी नहीं। अगर मुझ में और तुम में ये हौसला नहीं होगा तो फिर ये माशरा कैसे बदलेगा, सोचो। तुम कहाँ जा रही हो? सूप पियो। श्योर। ये नहीं मालूम कि रास्ते कब मिलते हैं और कब अलग होते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, आज के बाद तुम बतूल के किसी मामले में दखल नहीं दोगे। मैं खुद बात कर लूंगा बतूल से, वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। बतूल के अमेरिका जाने के पूरे इंतजाम हो चुके हैं, मैंने बुकिंग भी करवा दी है। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे तो जाए और ना चाहे तो ना जाए। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अम्मी, आप घबरा तो नहीं गई? इस वक्त तक तो आप जाग चुकी होती हैं ना? लेकिन बेटा तुम इस वक्त क्यों जाग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं अम्मी, बस अचानक आँख खुल गई, फिर सोचा ये सबसे अच्छा वक्त है आपसे बात करने का। बेटा तुम्हारा काम कैसा तो चल रहा है? काम ठीक है, चल रहा है। और हे सुनाओ, तुम बतूल से मिले? जी अम्मी, मुलाकात हुई थी। वो अमेरिका जा रही है एक साल के लिए। लो, इसका मतलब बेटा तुम्हारे ताल्लुकात नहीं अच्छे। अरे मेरे ताल्लुकात के बारे में छोड़ें, आप अपनी सुनाएं, तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, कल फिर हॉस्पिटल जाना है, बता रहे थे कोई टेस्ट करना है। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हसन से पूछ रही हूँ तो वो बता नहीं रहे, न जाने किस चीज का टेस्ट है। चले मैं भैया से खुद ही पूछ लूंगा। अम्मी मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आप यहाँ नहीं है तो मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। बेटा अकेले तुम इसलिए हो कि तुम्हारे बतूल से नहीं बनती। नहीं, अकेला मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरी अपने आप से नहीं बन रही। अरे बेटा मेरा तुम्हारे साथ होना ना होना क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा मैं, बहुत फर्क पड़ेगा, आपको नहीं पता। बेटा मैं तुम्हारी माँ, मुझे पता है कि तुम रात भर जागते रहे हो, सोई नहीं हो। मगर बेटा ये बताओ, अब तुम यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा नहीं रहे हो कि जिस वक्त दिल चाह चले गए, जिस वक्त दिल चाह आ गए। अम्मी आपको सब कुछ पता है। अच्छा अब मैं जरा आराम कर लू। खुदा हाफिज़ बेटा, जीते रहो जीते रहो।
ये शख्स मजहर, मुझे इसके बारे में मजीद मालूमात चाहिए। हमारी दुनिया में मुश्किल से मुश्किल फैसला फौरन किया जाता है, फैसला जरूरी है। मैं कोई अनारकली नहीं हूँ जिसे चुन दिया जाए, और आप तो मुझे उड़ते हुए देखना चाहते थे, आजाद देखना चाहते थे। चलो किसी बहाने यूसुफ सेठ को तुम्हारी जरूरत तो पड़ी। हाँ देखो, अगर अली कोई हिमाकत ना कर बैठे तो वो मासूफ तो हर वक्त नौकरी छोड़ने पे ही तुले बैठे रहते हैं। उसकी तो लॉटरी निकल आई है। सही कह रही हो तुम, हर मुझे उसको ये एहसास दिलाते रहना है कि उसकी लॉटरी निकल आई है और वो इस ऐश व इशरत की जिंदगी का आदी हो जाएगा। तो तुम उसे करप्ट कर रहे हो? मैं उसको सिर्फ ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में लाना चाहता हूँ। कमाल है। वैसे अगर वो ख्वाबों की दुनिया में ना होता और उस लड़की शाहिद की बहन से इश्क ना लड़ाता तो उसकी लॉटरी कैसे निकलती? लेकिन अब उसके इश्क का होगा क्या ये तो मुझको पता नहीं, लेकिन अब अली को ऐसे मौके बहुत मिलते रहेंगे। अच्छा, तो तुम्हारी तरह उसे भी दिल लगाने की आदत है? अरे नहीं भाई, वो तो हीरो आदमी है, हम कहाँ। तो चलो कोई साइड हीरोइन तुम्हारे हिस्से में भी आ जाएगी। अच्छा वो सैमी की कहानी का क्या है? सैमी की कहानी किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन ऑफिस में जो भी उसके साथ फ्री होने की कोशिश करता है वो उसकी छुट्टी करवा देती है। यूसुफ सेठ से बहुत करीब है वो। और अगर तुम्हारा हीरो से फ्री होने की कोशिश करे तो? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता नहीं, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा वैसे आज यूसुफ सेठ ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया जब वो अली को शाह साहब से मिलवाने ले जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं बोला। कि शाह साहब की कहानी किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि शाह साहब यूसुफ सेठ का सबसे बड़ा सहारा है। चलो तुम चाय तो पिए। बेटा तुम्हें दो फैसले फौरन करना है। पहले अली क्या वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया या अब भी उसने मसले की गुंजाइश है? अब अगर इस तरह के मसले बीच में अटके हो तो बहुत ही दुख होता है बेटा। और दूसरा फैसला क्या? अमेरिका जाना चाहती हो? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत अहम फैसले करने हो। आप फैसलों की दीवार खड़ी करना चाहते हैं या फैसलों की फसील? अबू मैं कोई अनारकली नहीं हूँ जिसे चुन दिया जाए, और आप तो मुझे उड़ते हुए देखना चाहते थे, आजाद देखना चाहते थे। बेटा यही तो कह रहा हूँ मैं, काट दो उन रस्सियों को जिसमें बंधी हुई हो। बेटा अगर तुम और अली शादी करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, फौरन कर लो। लेकिन अगर तुम समझ रही हो कि मुमकिन नहीं है यूसुफ और शाहिद के झगड़ों की वजह से तो टोटली ब्रेक इट बेटा, फिर हमें एक अच्छे रिश्ते की तलाश होगी। क्या लिखेंगे आप जरूरत रिश्ता के इश्तहार में? पागल हो गई बेटा, तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि कितने लड़के, मेरा मतलब है कितने अच्छे लड़के बेटा, उनकी माने आंटियां तुम्हारी दाद में बैठी। कौन से लड़के? भाई की दुनिया में रहने वाले लड़के? मुझे मालूम है बेटा तुम किस दुनिया में रहना चाहती हो, वो एक रोमांटिक तसव्वुर है, तुम्हारे लिए मुमकिन है बेटा, क्योंकि तुम्हें पर्स या जूते खरीदते वक्त ये नहीं सोचना पड़ता कि उसकी कीमत क्या है। बेटा अली 2-in-1 हो गया,
क्या है? Buy one get one free? This is not a joke, Abu. Okay, okay, okay. Let me be serious. अब तुम्हें अपने फैसले खुद करने होंगे बेटा, और तुम्हें दिए जाते हैं 5 दिन. तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब. दादी आओ, आओ, आओ. क्या बेटा? थैंक यू. कैसे हैं आप शाह जी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ? अली, असल में शाहजी बिल्कुल हमारे घर के फर्द की तरह हैं. मैंने आज तक इनसे कोई बात नहीं छुपाई. शाहजी तो पहले ही जान गए थे कि तुम किस कैफियत से गुजर रहे हो. मिस्टर अली, दुबई में हमने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की, और अब जो हम बातें करने लगे हैं वो खुल के होनी चाहिए. यानी हमें तुम पर और तुम्हें हम पर एतमाद होना चाहिए. मिस्टर अली, तुम एक अच्छे, ईमानदार और बासलाहियत शख्स हो, मुझे पसंद आए. और सच यह है अली कि मैंने तुमसे इसीलिए राब्ता किया था कि मैंने तुम्हें शाहिद की बहन के साथ देखा था. शाहिद से मेरा पुराना हिसाब है जो मैंने चुकाना है, और तुमने मेरी ये ऑफर यकीनन ये सब कुछ जानते हुए कबूल की होगी कि मैं और शाहिद बिजनेस की दुनिया में राइवल्स मशहूर हैं. बस अब तुमने ऐसा क्यों किया ये तुम्हारा मसला है. शायद तुम्हें भी शायद से कोई पुराना हिसाब चुकाना है. लेकिन अली, अगर तुम्हें ये ख्याल है कि इस सारे मसले में शाहिद की बहन का नाम आएगा तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है. ख्वातीन की इज्जत हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है. अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुनो. हमने तुम्हें जान लिया है, अब हम तुम्हारी सलाहियतों को तुम्हारे लिए और इदारे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. इसमें तुम कहां तक जा सकते हो इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है. अली, तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है. अगर तुम शाहिद की बहन से शादी के ख्वाहिशमंद हो तो हम तुम्हारे साथ हैं हर तरह से. कुछ फैसले अपनी जिंदगी के मैंने अब तक नहीं किए, लेकिन एक फैसला तुमने अभी करना है कि क्या तुम इस इदारे को चलाने वाले छोटे से खानदान का फर्द बनने पर राजी हो. ये एक अहम जिम्मेदारी है जिसके रिवार्ड्स भी बहुत बड़े हैं, तुम्हारे अंदाजे से भी ज्यादा. ये बातें जो आप कर रहे हैं मैंने इनके बारे में अब तक सोचा नहीं था. तुम वो जिंदगी छोड़ आए जिसमें सोचना एक बड़ी अयाशी होती है. हमारी दुनिया में मुश्किल से मुश्किल फैसला फौरन किया जाता है. फैसला जरूरी है चाहे गलती क्यों ना हो. और अली, वो जो मैंने तुमसे कहा था कि एक अच्छी खबर है, तो वो अच्छी खबर ये है कि अब तुम किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनोगे जिसका बराह रास्त शायद से कोई ताल्लुक हो, बल्कि तुम्हारे लिए एक नई लाइन ऑफ एक्शन हमने तरतीब दी है. तुम ऐसा करो, लाहौर जाओ, अपनी अम्मी से मिलो, उनकी दुआएं लेके वापस आओ, फिर देखते हैं क्या होता है. ये तुम याद रखो कि कोई फैसला आखिरी नहीं होता. लेकिन फैसला तो करना पड़ेगा. हाँ, लेकिन अंडर प्रेशर नहीं. अब्बू का मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है. और भाईजान का?
अबू चाहते हैं कि मैं भाई को इसमें इन्वॉल्व ना करूं, और वो तो अली को शुरू से नापसंद करते हैं, और उनका रोल भी मशकूक है। और अली का रोल भाई जान के दुश्मन का साथ देना, तुम्हारे साथ बेरुखी बरतना, गड़बड़ तो बहुत है। तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछ रही हो तुम? अली से पूछ लो, जो शराइत हो तुम्हारी से बता दो, अगर फिर भी ना माने तो फौरन यूएसए आ जाओ। अभी तक तो शायद बहुत पुर उम्मीद है, उसके गैर मुल्की स्पॉन्सर्स भी अपना जोर लगा रहे हैं, उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी खासी जान पहचान है, असर रसूख है। शाह जी, इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक तो सूबाई हुकूमत से है, सूबाई खुद मुख्तारी का हरबा भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपकी चीफ मिनिस्टर से बात भी हुई। असल चीज यह है कि सलीम चिश्ती को काबू में करना है। क्या तुम समझते हो कि अली ये काम कर पाएगा? उसे इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है और न ही इस तरह की डीलिंग को समझ सकता है। शाह जी, यही तो उसका एडवांटेज है। देखिए, सलीम चिश्ती हर तरह के ब्रोकर को जानता है, और मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अली उससे सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत पर ताल्लुक बनाए, और जब तक उसका एतमाद ना हासिल कर ले उस वक्त तक प्रोजेक्ट की बात ही ना करे। आपको वो फलसफा तो याद होगा ना, हिट द टारगेट बाय अवॉइडिंग इट। अगर इस तरह सलीम चिश्ती की हिमायत मिल जाए तो मैं तुम्हारे फलसफे का कायल हो जाऊंगा। शाह जी, ये फलसफा अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपका इन्फ्लुएंस और आपकी सियासी कुव्वत, बस ये हमारा मेन ट्रैक है। क्या ये लड़का अली इस मिशन को संभाल सकेगा? आप देखते रहिए मैं किस तरह उसका इस्तेमाल करता हूँ। उसका एक दोस्त है मजर, जो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका है, वो अब इस मिशन का कंट्रोलर है। शाहजी, हम दहाई बड़े स्केल पे ये काम करेंगे, मेरे जहन में पूरा खाका मौजूद है। अली मुझे बहुत ही कंफ्यूज्ड और ऐसा आशिक लगा जैसे अपनी मोहब्बत पे यकीन ना हो। देखा नहीं तुमने, उसने ना तो खुलकर इस काम को कबूल किया और ना ही उसमें इनकार की हिम्मत पैदा हुई। शाहजी, यही तो मुझे चाहिए था। देखिए, अली एक इंतहाई ज़हीन, पढ़ा लिखा लेकिन मिडिल क्लास का लड़का है, और वो इश्क कर बैठा है एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की से। ज़हनी कश्मकश का शिकार है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे साथ काम करके अपने उस एहसास कमतरी को दौलत और ताकत के खिलाफ में छुपा के रखते। एहसास कमतरी, तुम शायद उस तकबर से वाकिफ नहीं हो जो इस लड़के अली के दिमाग जैसे आर्टिस्ट किस्म के लोगों के जहन में होता है। कभी कभी तो ये लोग पैसा कमाना भी अपनी तोहीन महसूस करते हैं। उस वक्त नहीं शाहजी, जब शाहिद जैसा कोई मगरूर दौलतमंद उसे अपनी बहन के काबिल ना समझ के उसकी तोहीन करे। मैं देख रहा हूं तुम इस लड़के अली पर कोई हैरत अंगेज या कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। वॉच इट, कहीं ये तुम्हारे सामने मॉनिस्टर बन के ना खड़ा हो जाए। सर, अभी मालूम नहीं हो सका यूसुफ और शाहजी दुबई किससे मिलने गए थे, लेकिन सर मैं कोशिश कर रहा।
Yes. Of course होता है. जिस तरह मैंने स्ट्रक किया वो उसी तरह होना चाहिए. Okay. Don't worry about it. ठीक. वो मेरा फ्रेंच बीच वाला जो हट है ना, उसे तुम जाके खुद चेक कर लेना. वहाँ पे बेडशीट्स वगैरह नहीं हो, गैस जनरेटर एवरीथिंग शुड बी इन टॉप वर्किंग कंडीशन. वीकेंड पे कुछ लोग आ रहे हैं, गार्ड्स की वैन जिनके साथ ही जाए. श्योर सर, आप बेफिक्र हैं. और अली, उसके बारे में क्या खबर है? सर, अली लाहौर गए थे बिजनेस क्लास से और वहाँ उनकी होटल की बुकिंग भी थी, लेकिन सर उन्होंने चेक इन नहीं किया. Does he drink? मेरा ख्याल है शौकिया पी लेता. इसका कोई ग्रुप नहीं. हाँ, एक पुराना ब्रोकर है मजहर, जो यूसुफ के लिए कभी काम करता था. अली का बहुत अच्छा दोस्त है और रात गए तक ही इनके घर पे होते हैं. और हाँ सर, मजहर ने दोबारा यूसुफ की कंपनी ज्वाइन कर ली है. ये शख्स मजहर, मुझे इसके बारे में मजीद मालूमात चाहिए. श्योर सर, आप बेफिक्र रहिए. तुम्हारी दरक्षा और क्लिफ्टन थाने में वाकफियत है? सर बहुत अच्छी, आप बेफिक्र रहिए. अभी आने वाले चंद दिनों में मैं बहुत सारी डेडलाइंस मीट करनी है. मेरा नाम मजहर है और मैं अली के साथ ही होता हूँ. That's very good. आपका नाम? तुम मिली हो उससे? उसकी उस घटिया हरकत के बाद भी तुम उसको या किसी और को बीच में मत लाएं. आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे लिए कोई रिश्ता है और आप चाह रहे हैं कि आपकी फर्मा बरदार बेटी बगैर सोचे समझे हाँ बोल दे. हाँ, ये खानदान की इज्जत का सवाल है. क्या शाहिद अली के बारे में अपना रवैया बदल लेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है. खान